नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है तलाश। इसके रचयिता हैं व्यग्र पांडे। लगभग 40 साल बाद राधे काका होली पर परिवार सहित मुंबई से अपने गांव आए। बदले बदले गांव को देखकर काका रोमांचित थे। अचानक एक पुराने घर के अहाते से फेंका हुआ गंदा पानी काका के कपड़ों पर आकर गिरा। कपड़े खराब हो गए। आवाज सुनकर एक बूढ़ी घर से बाहर आई और कहने लगी, बूढ़ी हूँ, दिखाई नहीं देता, माफ कर दो। बूढ़ी को देखकर व उसकी आवाज को सुनकर भीगे हुए राधे काका बोले, क्या तुम सावो भाभी तो नहीं हो? तुम कौन हो? बूढ़ी ने पूछा। पहचाना नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का सबसे ज्यादा शरारती तुम्हारा देवर राधे। राधे का नाम सुनकर बूढ़ी सावो की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, लाला मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी नहीं, ये तो मेरे पुराने कर्मों का फल है। मैं भी तुम्हें होली के दिनों में खूब सताया करता था, लगता है वो आज पुराना हिसाब चुकता हो गया। उन्हें सावो भाभी क्या मिली, मानो वे पुराने बीते हुए दिन मिल गए जिनकी तलाश में वो मुंबई से गांव आए थे।